हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको बताएंगे पाइप के क्लासिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ में अगर जब हम पाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं तो आपको पाइप के टाइप्स के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर टाइप्स ऑफ पाइप। और आज का अपना जो पाइप का जो क्लासिफिकेशन होगा वो जो बेस्ड होगा पाइप के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, कि पाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग पाइप का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आज का जो पाइप का जो टाइप्स भी होगा इसके मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग ही होगा कि इसका कितने टाइप्स के पाइप होते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो आइए समझते हैं पाइप के क्लासिफिकेशन को। तो पाइप के क्लासिफिकेशन को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पाइप क्या होता है, तभी इसको आप क्लासिफिकेशन करेंगे इसका। यह पाइप हमेशा एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है, जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। पाइप का इस्तेमाल हम सब फ्लूइड को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अगर इंडस्ट्री में देखा जाए, डोमेस्टिक पर्पज से देखा जाए, तो पाइप का इस्तेमाल हमेशा क्या करते हैं, किसी लिक्विड को, किसी स्लरी को, गैस को, वेपर को, ठीक है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको ट्रांसफर करने के लिए पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप पाइप के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रखा हूं, उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पाइप के क्लासिफिकेशन को हम लोग किसके आधार पर करेंगे, उसके मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर करेंगे। तो ये जो किसके ऊपर बेस्ड होगा, ये बेस्ड होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो पाइप का जो क्लासिफिकेशन उसमें मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर करते हैं, तो पाइप का जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो पाइप होती है दो तरह की। फर्स्ट जो होती है वो होती है वेल्डेड। सेकेंड जो होती है वो होती है सीमलेस। ध्यान से देखना, वेल्डेड पाइप को, ये जो वेल्डेड पाइप होती है इसको कई जगह पे बोला जाता है, इसको और क्या बोल सकते हैं, वेल्डेड पाइप को इसको बोलते हैं विथ सीम पाइप भी बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, अगर ये जो सीमलेस पाइप है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विदाउट सीम। तो पाइप के क्लासिफिकेशन को आपने देख लिया कि मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर एक होती है वेल्डेड पाइप, दूसरी होती है सीमलेस पाइप। वेल्डेड पाइप को हम लोग क्या बोल सकते हैं, विद सीम बोल सकते हैं, और जो सीमलेस पाइप है उसको क्या बोल सकते हैं, विदाउट सीम पाइप बोल सकते हैं। इसमें देखिए, जो वेल्डेड जो पाइप होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है, तो क्या होती है, लेस स्ट्रांग होती है। और जो सीमलेस जो पाइप होती है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मोर स्ट्रांग, ठीक है, यहां तक कंफर्म है। अब देखिए, ये तो हो गई जो मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर इन दोनों का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं कि जो वेल्डेड पाइप है इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये कितने तरह के होते हैं, तो ये भी होते हैं दो तरह के। एक को हम बोलते हैं एस ए डब्ल्यू, और दूसरे को बोलते हैं ई आर डब्ल्यू, या इसी को बोल सकते हैं ई एफ डब्ल्यू। ये दो तरह की पाइप होती है, किसमें होती है, ये वेल्डेड पाइप होती है। एस ए डब्ल्यू का जो फुल फॉर्म होता है वो उसको बोलते हैं सब मर्ज्ड आर्क वेल्डेड। ठीक है, अब ई आर डब्ल्यू का और ई एफ डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है इसको देख लीजिए। ई आर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, ई आर डब्ल्यू का भी आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डेड, ठीक है। और ई एफ डब्ल्यू का क्या होता है, ई एफ डब्ल्यू का इसका भी होता है इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डेड। यहां तक कंफर्म है कि वेल्डेड पाइप का और हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है एस ए डब्ल्यू
और दूसरा होता है ERW या EFW। ESRW को बोलते हैं सबमर्ज आर्क वेल्डेड और ERW या EFW को बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डेड। अब देखते हैं कि ESRW जो होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। ESRW का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये होते हैं दो तरह के, एक होता है ESRW और दूसरा होता है HSAW। अब इसको देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो जो HSAW है इसको बोलेंगे स्ट्रेट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जिसको और हम लिख दें स्ट्रेट ठीक है। और ये क्या होता है HSAW, इसका मतलब होता है इसको बोलते हैं स्पाइरल या इसी को बोलते हैं हेलिकल ठीक है। HSAW को यानी कि सबमर्ज आर्क वेल्डेड को अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इस टाइप को, जिसमें देखिए एक होता है HSAW जिसको बोलते हैं स्ट्रेट सबमर्ज आर्क वेल्डेड और एक होता है HSAW जिसको बोलते हैं स्पाइरल या हेलिकल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो स्ट्रेट सबमर्ज वेल्डिंग क्या होती है इसको आप समझ लीजिए। तो पाइप जो है वो मेटल की बनी है, वो किसी न किसी मेटल की शीट की बनी होगी, तो उसमें क्या करेंगे हम वेल्डिंग करेंगे। वेल्डिंग देखिए अगर ये मान लीजिए एक शीट है जिससे हमको क्या बनाना है पाइप बनाना है, तो पाइप को अगर आप ऐसे शीट को फोल्ड करके पाइप बनाते हैं और उसमें जो वेल्डिंग होती है ऐसे स्ट्रेट होती है, क्या होती है स्ट्रेट होती है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। और मान लीजिए ये जो शीट है वो दो शीट है और इसको हमने ऐसे मान लीजिए फोल्ड कर दिया, ये समझ लीजिए ये दो शीट है और दो शीट को जोड़ के हमको क्या करना है पाइप बनाना है। और पाइप को हम क्या करेंगे तो ऐसे हम दोनों सीटों को क्या करेंगे एक दूसरे से क्या करेंगे कनेक्ट करेंगे ना, तो हमको वेल्डिंग इधर भी करना पड़ेगा और इस साइड भी करना पड़ेगा। इस समय भी क्या करते हैं हम लोग स्ट्रेट सबमर्ज वेल्डिंग ही होती है लेकिन इसमें बोथ साइड होती है। इसीलिए जो स्ट्रेट सबमर्ज वेल्डिंग होती है वो दो तरह की होती है, वो फर्स्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सीम और दूसरा जो होती है उसको बोलते हैं डबल सिम ठीक है। सिंगल सिम कम होगा कि जब हम एक सीट को फोल्ड करके और ऐसे इसको मतलब स्ट्रेट ही और जब इसको वेल्डिंग करते हैं ये सिंगल सिम होगा ठीक है। और इसी को और जब दो सीट को एक साथ ज्वाइन करते हैं और एक पाइप का हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं यानी इधर भी हम वेल्डिंग कर रहे हैं और इधर भी दोनों ओर जो वेल्डिंग क्या है स्ट्रेट है, उस कंडीशन में क्या होती है ये डबल सिम होती है। तो जो स्ट्रेट सबमर्ज वेल्डिंग को तो हमने जान लिया। अब हेलिकल या स्फेरिकल जो सबमर्ज वेल्डिंग होती है क्या होती है अभी देख लीजिए। एक हम क्या किए एक हमारे पास सिंगल सीट है और इससे हमको क्या करना है पाइप बनाना है। इस पाइप को हम क्या करेंगे ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे, क्या करेंगे ऐसे इसको हम फोल्ड करेंगे और इसको हम क्या करेंगे ऐसे इस तरह से करके हम ये यानी कि इसको कैसा देंगे स्पाइरल शेप देंगे इस तरह से। देखिए इसमें जो भी वेल्डिंग होगी वो सीधी नहीं होगी, ये ऐसे यहां से क्रॉस होते हुए जाएगी यानी कि ये ग्राउंड शेप लेगी। इसमें और देखेंगे और स्ट्रेट में क्या होगा स्ट्रेट में वेल्डिंग कहां पर होगी या तो इधर होगी इस साइड ठीक है तो सिंगल हो जाएगी, अगर इस साइड भी हो रही है और इस साइड हो रही है दोनों साइड हो रही है देखिए डबल हो जाएगी। लेकिन हेलिकल या स्फेरिकल में क्या होती है ये पाइप है मतलब एक सीट है, सीट को हम और वेल्डिंग करेंगे तो कैसा उसमें जो कट आएगा ऐसा आएगा ठीक है। यानी कि एक स्पाइरल जो है डिजाइनिंग में क्या होगी वो पाइप की वेल्डिंग हो ही रहेगी, तो उसको बोलते हैं हेलिकल या स्पाइरल सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो दोस्तों पाइप के जो क्लासिफिकेशन उसके मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर जो करते हैं तो पाइप दो तरह की होती है, एक होती है वेल्डेड पाइप और दूसरी होती है सीमलेस पाइप। जो वेल्डेड पाइप को हम लोग एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं विद सीम और जो सीमलेस पाइप को दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं विदाउट सीम। जो वेल्डेड पाइप होती है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जो मजबूती होती है वो कम होती है और जो सीमलेस पाइप होते हैं उनकी जो मजबूती क्या होती है वो ज्यादा होती है। दूसरा
वेल्डेड पाइप को अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं, इसको देखते हैं कि ये भी दो तरह के होते हैं, एक होती है एस ए डब्ल्यू और दूसरी होती है ई आर डब्ल्यू या ई एफ डब्ल्यू। एस ए डब्ल्यू को बोलते हैं समर्स आर वेल्डेड पाइप, और जो ई आर डब्ल्यू होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, और जो ई एफ डब्ल्यू होती है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डेड। एस ए डब्ल्यू पाइप का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये भी होते हैं दो तरह के, एक होती है एस एस ए डब्ल्यू जिसको बोलते हैं स्ट्रेट समर्स आर वेल्डिंग, और दूसरी होती है एच एस ए डब्ल्यू जिसको बोलते हैं स्पायरल या हेलिकल समर्स आर्क वेल्डिंग। एस एस ए डब्ल्यू पाइप का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये होती है दो तरह की, एक होती है सिंगल सिम और डबल सिम। सिंगल सिम क्या होती है इसको मैंने बता दिया था कि अगर जो पाइप को हम फोल्ड करके एक सिंगल जब वेल्डिंग स्टेट करते हैं तो सिंगल सिम वेल्डिंग होती है, और पाइप को अगर हम दो ज्वाइंट करते हैं यानी कि दो शीट को हम एक साथ कंबाइन करके पाइप बनाते हैं और वेल्डिंग हमको स्टेट करना होता है अपर और बॉटम सेक्शन दोनों साइड में, उस समय होती है वो डबल सिम। स्पाइरल या हेलिकल क्या होता है, स्पाइरल में होती है अगर हम पाइप को ऐसे फोल्ड करते हैं और उसमें जो वेल्डिंग होती है वो स्पाइरल जो होती है स्पाइरली होती है तो उसको बोलते हैं स्पाइरल, और उसी को जो दूसरा नाम है वो होती है हेलिकल। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।